अमेरिका में पेंसिल का रंग पीला क्यों होता है और एक ऐसा बिच्छू जिसका आकार इंसानों से भी बड़ा है, एक ऐसा देश जहां आप झूले पर बैठ तो सकते हैं लेकिन चिल्ला नहीं सकते, और एक ऐसा इंसान जिसने अपनी डैमेज्ड कार को बाइक में बदल दिया और वो भी एक रेगिस्तान में, और एक ऐसी महिला जो अपने हाथों से एक बार में 6 मोटरसाइकिल को आगे बढ़ने से रोक चुकी है, और एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें इंटरनेट कनेक्शन टूट जाने की वजह से टीम इंडिया चैंपियन नहीं बनी। लेकिन कैसे, अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ आखिर तक। नंबर वन, दोस्तों आज दुनिया में जितने भी बिच्छू हैं उन सभी का आकार हमारी हथेली से भी छोटा होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करोड़ों साल पहले दुनिया में बिच्छू की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती थी जिसका आकार इंसानों से भी बड़ा होता था। बिच्छू की इस प्रजाति का नाम यूरेप्टेरिड था, जिसे आमतौर पर सी स्कॉर्पियंस भी कहते हैं। इस प्रजाति के सबसे बड़े बिच्छू का नाम जाइकेलोप्टेरस था। जाइकेलोप्टेरस की लंबाई 8.2 फीट तक, वहीं इसके डंक की लंबाई 18 फीट तक हुआ करती थी। नंबर टू, दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग किसी एक जगह पर 1 से 2 घंटे से ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उड़ीसा के एक साधु पिछले 10 साल से 2400 घंटे खड़े हैं। इस साधु का नाम दिगंबर हरिवंशा है। साधु दिगंबर हरिवंशा पिछले 10 सालों से 1 सेकंड के लिए भी ना तो बैठे हैं और ना ही लेटे हैं। खाना खाने से लेकर आराम करने तक ये अपना सारा काम खड़े होकर ही करते हैं, यहाँ तक कि इन्हें अगर बाइक से कहीं जाना हो तो भी ये बाइक पर खड़े होकर ही जाते हैं। दिगंबर हरिवंशा की हमेशा खड़े रहने पीछे की वजह है कि वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें 12 सालों तक लगातार खड़े रहना है। अब इनकी तपस्या का सिर्फ 2 साल बचा है। नंबर 3, इस महामारी की वजह से दुनिया के लगभग सभी देशों ने भीड़ भाड़ को रोकने के लिए सभी घूमने वाली जगहों को बंद कर दिया। जब महामारी का प्रकोप कम हुआ तब जापान ने अपने देश के सभी अम्यूजमेंट पार्क खोल दिए, लेकिन एक अजीब से फरमान के साथ। ये फरमान ये था कि लोग अम्यूजमेंट पार्क आकर झूले वगैरह पर बैठकर एंजॉय तो कर सकते हैं, लेकिन झूलते वक्त उन्हें चिल्लाने की इजाजत नहीं होगी। ये हुक्म इसलिए सुनाया गया था ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इस फैसले को लागू करने वाले अधिकारियों के मुताबिक चिल्लाने से कोरोना वायरस का फैलाव बढ़ सकता है। नंबर 4, हमारे यहाँ जो पेंसिल होते हैं वो जनरली रेड एंड ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन अमेरिका में जितने भी पेंसिल होते हैं उन सभी का रंग येलो होता है। पेंसिल के इस पीले रंग के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जब पेंसिल का निर्माण शुरू हुआ था उस समय हाई क्वालिटी के ग्राफाइट सिर्फ चीन में ही मिला करते थे। अमेरिका में पेंसिल के निर्माण के लिए चीन से ही ग्रेफाइट मंगाया जाता था। चीन में येलो कलर को शाही और अमीरी का रंग माना जाता है, तो पेंसिल बनाने वाली कंपनियों ने भी ये बताने के लिए कि उनकी पेंसिल में हाई क्वालिटी वाले चाइनीज ग्रेफाइट होते हैं, अपनी पेंसिल को येलो कलर में रंगना शुरू किया, और ये प्रचलन आज भी कायम है। नंबर 5, फ्रांस में रहने वाले एमाइल लीरे 1993 में नॉर्दर्न अफ्रीका की सैर पर निकले हुए थे। इसी दौरान एक रेगिस्तान से गुजरते वक्त उनकी कार एक पहाड़ से टकरा गई और कार बुरी तरह डैमेज हो गई। उनकी कार अब चलने लायक नहीं बची थी। एमाइल जिस रेगिस्तान में हादसे का शिकार हुए थे वहाँ से इंसानी बस्ती काफी दूर थी, जहाँ पैदल चलकर जाना मुमकिन नहीं था। थैंकफुली उनके पास 10 दिनों का खाना मौजूद था, लेकिन खाना खत्म होने के बाद मौत उनके सामने थी, जिसके बाद पेशे से इलेक्ट्रीशियन एमाइल ने अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया और अपनी टूटी हुई कार से एक जुगाड़ू बाइक बना ली। लगभग 10 दिन में वो इसे बनाने में कामयाब रहे और फिर वहाँ से निकल गए, लेकिन जब वो इस बाइक से मोरक्को में दाखिल हुए तब उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। इसकी वजह ये थी कि उनके पास कार चलाने के लाइसेंस थे जबकि वो बाइक चला रहे थे। नंबर 6, जूली मूडी नाम के इस अमेरिकन महिला के बाइसेप्स देखकर अच्छे अच्छे पुरुष बॉडी बिल्डर भी शर्मा जाते हैं। जूली मूडी प्रोफेशनल एथलीट एंड एक्सट्रीम स्ट्रेंथ स्टंट वुमन है। वो अपनी ताकत के बल पर कई सारे रिकॉर्ड बना चुकी है। दुनिया की सभी महिलाओं में सबसे बड़े बाइसेप जूली मूडी के ही हैं। इनके बाइसेप्स का साइज 16.25 इंच है। जूली की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने एक बार अपने दोनों हाथों से 6 मोटरसाइकिल को आगे बढ़ने से रोक दिया था। इसके अलावा वो ट्रक को आगे बढ़ने से भी रोक चुकी हैं। नंबर 7, दोस्तों पहले के टाइम पर जो राजा जितना ताकतवर होता था उसके दुश्मन उतने ही ज्यादा होते थे। हालांकि ये सिचुएशन अब भी कुछ खास नहीं बदली, लेकिन अब दुश्मन भी खुले तौर पर दुश्मनी जाहिर करने से परहेज करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था और दुश्मन हमेशा राजा और रानी की हत्या की साजिश रचते रहते थे। क्योंकि राजा का महल बेहद सुरक्षित होता था, इसीलिए कई दुश्मन राजा की हत्या के लिए ऐसा रास्ता अपना
अपनाते थे जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये लोग राजा के टॉयलेट के नीचे एक सुरंग बनाते थे और फिर उसी सुरंग के रास्ते राजा की हत्या की जाती थी और दुश्मन सुरंग के रास्ते ही वापस भाग जाते थे। नंबर 8, अमेरिका के रहने वाले रिचर्ड अरविन पूर्व सैनिक है। इनकी जिंदगी की खास बात यह है कि ये अपने यंग एज से ही शराब और सिगरेट पीते आ रहे हैं। आज इनकी उम्र 110 साल हो चुकी है और ये इस उम्र में भी फिटनेस और हेल्थ के मामले में 60-70 साल के बूढ़ों से भी बेहतर है। इस उम्र में भी ये अपने कार खुद ही चलाते हैं। मजे की बात यह है कि जब इन्हें कोई नशा छोड़ने को कहता है तब इनका जवाब होता है कि जो लोग उनसे नशा छोड़ने को कह चुके हैं वो सब के सब मारे जा चुके हैं, जबकि वो इतना नशा करने के बाद आज भी जिंदा है। ये जवाब सुनकर हर कोई चुप हो जाता है। आज भी इनके दिन की शुरुआत विस्की से ही होती है और 12 सिगरेट के साथ पूरा दिन पूरा होता है। नंबर 9, पिछले साल अगस्त महीने में इंडिया और रशिया के बीच चेस ओलंपियाड खेला जा रहा था। कोरोना वायरस की वजह से यह टूर्नामेंट ऑनलाइन ही खेला जा रहा था। टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में जो टीम जीतती वो चैंपियनशिप जीत जाती। फाइनल राउंड में इंडिया के खिलाड़ी काफी अच्छा खेल रहे थे और वो ये मैच जीतकर गोल्ड मेडल जीतने ही वाले थे कि तभी इंडियन प्लेयर्स का इंटरनेट कनेक्शन टूट गया और टूर्नामेंट के नियम के मुताबिक इंडियन टीम पर पेनल्टी लग गई। जो मैच इंडियन प्लेयर्स जीतने वाले थे इस पेनल्टी की वजह से मैच ड्रॉ हो गया और इंडिया को रशिया के साथ गोल्ड मेडल शेयर करना पड़ा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।